कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां हुआ करेंगी। I.N.D.I.A का हश्र आपने अभी तीन राज्यों में देखा है। जवाहर विमोचन समारोह में हमारे साथ SP सिंह बघेल मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। किताब को लेकर क्या कहेंगे? जवाहर जी पर स्वराज स्वराज और सपनों की कहानी जो अपर्णा जी की जुबानी है उसके लोकार्पण पे मुझे आने का मौका मिला और उसको जब पढ़ा गया तो देखा गया कि किस प्रकार से 13-14 साल की उम्र में जवाहर हड्डा जी गांधी जी से प्रभावित हुए, जिस अखबार का नाम बाल गंगाधर तिलक ने रखा हो और जो हिंदी मराठी और अंग्रेजी का प्रमुख अखबार बन गया हो, वो इसलिए सफल है कि ये हड्डा फैमिली है, ये लोकमत मीन्स पब्लिक ओपिनियन या जनमत, तो ये लोकमत रहा, ये कभी हड्डा मत नहीं रहा, इसलिए ये चलेगा और चल रहा है। और दूसरा ये है कि 5 रुपये का अखबार अगर या 10 रुपये का कोई खरीदता है तो सोचता है सो के उठें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष उसको समाचार पढ़ने को मिलें, ना कि वो शुगर कोटेड हों, तो इसलिए जो है लोकमत समदर्शी है, सबको समान दृष्टि से देखता है, राजा को भी ऐसा होना चाहिए और अखबार को भी ऐसा होना चाहिए। सर कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आए हैं और 3 में जिस तरह से भाजपा ने बंपर जीत हासिल की वो भी हमने देखा, आगे चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति क्या है? जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर सेवा करते हैं, पैंडेमिक काल में भी हम लोगों ने की। केंद्र सरकार की योजना की तो वो लेती हैं कि मोदी जी की कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों से, राज्य की योजनाओं के लाभार्थी और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन की मेहनत से लाभार्थियों के बीच में जाएंगे और ये कृतज्ञ राष्ट्र है, कृतघ्न नहीं है। मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है तो प्रधानमंत्री को लोग आयुष्मान भव कहते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं थी, ये ऑब्लिगेटरी योजना है। विपक्ष कई बार कहता है कि क्या हम लोग जेब से दे रहे हैं, नहीं टैक्स पेयर से दे रहे हैं, लेकिन सड़क पर शौच करती हुई महिला को सबने देखा, शौचालय मोदी जी ने बनाए, झोपड़ी में रहते हुए सबने देखा लेकिन आवास प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास मोदी जी ने बनाए, धुएं से खाना बनाते हुए सबने देखा लेकिन उज्ज्वला का सिलेंडर मोदी जी ने दिया, 3 रुपए सैकड़े पर इलाज कराते हुए अथवा खेत बेचते हुए जीवन बेच के इलाज कराते हुए सभी प्रधानमंत्रियों ने देखा, लेकिन आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का मोदी जी ने गारंटी ली है, वो गारंटी कार्ड है। इसी प्रकार से किसानों की फसल नष्ट होने पर उनको भुखमरी से मरते हुए देखा गया लेकिन अब 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि उनके खाते में आती है और DBT के माध्यम से जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये भेजते हैं तो 85% गायब हो जाता है, 15 पहुँचते हैं, अब DBT शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीविएशन है। मोदी जी 2,000 रुपये की एक किसान सम्मान निधि का बटन दबाते हैं तो 1,999.99 रुपये नहीं पहुँचते हैं, पूरे पहुँचते हैं, तो इस प्रकार से बड़े भ्रष्टाचार को उन्होंने रोकने का काम किया। सर एक आखिरी सवाल है, एक इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरने के दावे कर रहा था और वही इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना को लेकर लगातार यूपी विधानसभा में उसके तमाम नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन और उनकी जातिगत जनगणना की मांग दोनों पर क्या राय है? चचा चालक ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां हुआ करेंगी, ऐसे ही दुर्लभ संधि एक शेप ले रही है और I.N.D.I.A का हश्र आपने अभी 3 राज्यों में देखा है और समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में भिंड मुरैना ग्वालियर शिवपुरी दतिया उधर रीवा सतना सीधी और छतरपुर में कांग्रेस ने एक भी टिकट नहीं दिया, तो जब सिद्धांतहीन और नीति विहीन गठबंधन होता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो उसका हश्र यही होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।